ये देखिए एक काला अंगूर हमारे बगीचे में लगा है। अभी आर्ट क्लास नहीं, कुकिंग क्लास लेंगे, उसमें किशमिश बनाना बताएंगे। चलो बच्चों ये काला अंगूर इसमें तोड़ो। नहीं नहीं पूरा डाली सही, कैची लगेगा तो। हाँ ऐसे हाँ इसमें रखती जाओ। और उसको तो मैं बोलूँगी ना पका वाला को तोड़ो करके, है ना। हाँ चलो रुक रुक स्टार्ट लीजिए। एंड इसको भी तोड़ लूँ? हाँ तोड़ेंगे, अभी आधा किलो कच्चा और आधा किलो पका मिला के किशमिश बनाएंगे। हाँ पका वाला को और पका वाला जितना पका है। नहीं नहीं कच्चा नहीं, पका वाला को, कच्चा नहीं। हाँ आधा कच्चा आधा पक्का मिला के बनाएंगे। थाली पास में रखो, नीचे गिर जाएगा। हाँ पक्का पक्का जितना है। और है वहीं पे, और है। ये किशमिश बना रहे हैं, ये करीब 1.5 किलो अंगूर है, काला और हरा अंगूर है। इसको 10 मिनट उबालना है। दस मिनट उबला है। हाँ अब छलनी में ना छान के, इसमें 10 मिनट हो गया, अब छलनी में छान दीजिए। इसको अंगूर को उबालने से पहले अच्छे से धो लिए थे। इसको छानने के बाद इसको धूप में सुखाएंगे और छलनी से और ढक देंगे ताकि इसमें चींटी मक्खी ना बैठे, इसमें ढकना है। मैम इसको सुखा दूं? उबल गया है। हाँ इससे जाली से ढक के धूप में सुखाना है। ये देखिए अभी कुकिंग क्लास में किशमिश बनाना सिखाए हैं। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा अंगूर आ रहे हैं, तो आप लोग भी बनाइए अंगूर से किशमिश। ये हमारा सूख चुका है, यह गोल काला अंगूर है, इसीलिए इसकी किशमिश गोल, और जो कच्चा अंगूर डाले थे उससे इस प्रकार हरा बना है, और जो पक गया था वह इस प्रकार है। तो देखिए एक हफ्ता इसको पूरा सुखाए हैं, यह किशमिश बन चुका है। अभी कुकिंग क्लास में यही बताए हैं मैम, ये बन गया है। मैम का चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।